हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक न्यू वीडियो। मैं बनाने जा रही हूँ गैस करेला की सब्जी। तो गैस करेले की सब्जी बनाने के लिए आप इस तरीके से जब बनाएंगे करेले की सब्जी जो मैं वीडियो दिखा रही हूँ आपको, तो इस प्रोसेस से बनाएंगे तो आप करेला आसानी से खा सकते हैं और ज़्यादा कड़वा भी नहीं लगेगा। और मैंने लिया है एक कच्ची अमिया। तो गैस करेला बनाने के लिए सबसे पहले करेले को धो लेंगे। तो गैस करेला बनाने के लिए मैंने सबसे पहले करेले को धो लिया 2-3 पानी से। इस तरीके से धोने के बाद बनाएंगे चटपटा मसालेदार करेला। तो चाकू ले लेंगे, चाकू की सहायता से इस तरीके से करेले के जो ऊपर के छिलके होते हैं इस तरीके से हल्का सा छीलना नहीं है, बस इस तरीके से खुरस लेना है। तो इस तरीके से सारे करेले को हल्का सा चाकू से खुरसने के बाद, चाहे तो आप भरमा करेला बनाना चाहें तो भरमा करेला बनाने के लिए इस तरीके से बीच से कट लगा देंगे। और इस तरीके से अंदर मसाला भर लेंगे। तो चाहे तो आप भरमा करेला नहीं बना रहे हैं तो भूगोल भी बना सकते हैं। इस तरीके से हल्का सा खुरस लेंगे करेले को। और सो गाइस, अगर आप नए मेरे चैनल को देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिएगा। इस तरीके से मैं जो बना रही हूँ भरमा करेला भी बना सकती हूँ। एक मैंने इस तरीके से बना लिया है और भी इससे चीरा लगा दिया है, तो ये भरमा करेला बन जाएगा। और ये करेला मैंने गोल काट रही हूँ इस तरीके से, इस तरीके से गोल काट लेंगे। तो गाइस सारे करेले को अच्छे से खुरच के काट लेते हैं। मिलते हैं करेला काटने के बाद। तो गाइस इस तरीके से करेले मैंने काट लिए हैं और 2 करेले इस तरीके से मैंने रखे हैं और भरमा करेले बनाएंगे और बाकी मैंने काट के बनाए हैं। तो इस तरीके से करेले आप गाइस बना सकते हैं। और इसको आप 2-3 पानी से धो लेंगे। तो गाइस करेले मैंने 2-3 पानी से धो लिए हैं। अब चाहे तो आप इसको नमक लगाकर धूप में भी रख सकते हैं। तो गैस मैं धूप में नहीं रख रही हूँ, फटाफट बनाऊंगी मैं करेले। आप इस प्रोसेस से बना सकते हैं और फटाफट आप बना सकते हैं करेले। अब चलते हैं गैस की तरफ। चाहे तो आप धूप में रख लेंगे तो धूप में भी इसकी कड़वाहट थोड़ी कम हो जाती है। अगर धूप में नहीं रख पा रहे हैं गैसेस तो आप इस तरीके से आप बनाइएगा। गैस को ऑन करेंगे और रखेंगे कढ़ाई और ये करेले जो है इसमें डाल देंगे। इसमें डालेंगे पानी 1 गिलास। थोड़ा सा नमक और इसमें बॉयल लगा लेंगे। तो इसको ढक देंगे। 1 कॉल के बाद गैस को ऑफ कर देंगे। 4 प्याज ले लेंगे। प्याज को गैस काट लेंगे। प्याज को छोटे छोटे पीसों में कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से प्याज को कटिंग करना है, ज़्यादा बड़ी नहीं ना ज़्यादा महीन। तरीके से सारे प्याज काट लिए हैं। करेले में बॉयल आ गई है। अच्छे से बॉयल हो गए हैं। अब इसको निकाल लेंगे, गैस को ऑफ कर देंगे, पानी को फेंक देंगे। पानी को फेंक देंगे। गैस को ऑन करेंगे तो पोंछ लेंगे कढ़ाई को। में डालेंगे कड़वा तेल 1 चम्मच। गरम करेंगे। कच्ची अमिया को गैस काट लेंगे और इसको छील के काट लेंगे। ऑयल गरम हो गया है और इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। ऑलरेडी करेले में मैं पहले डाल चुकी थी, क्वांटिटी थोड़ी कम ही रखनी है। इसमें डालेंगे थोड़ा सा खड़ा सौंफ। टर्मरिक पाउडर 1/2 टीस्पून और जो मैंने प्याज की कटिंग करी थी वो प्याज डाल देंगे। कच्ची अमिया मैंने जो ली है इस तरीके से मैंने 1/4 ली है और कद्दूकस से इस तरीके से कद्दूकस कर देंगे इस तरीके से। कद्दूकस करके ही डालिएगा। अगर ऐसे डाल देंगे तो आपका जब खाएंगे तो अलग से लगेगा कि हाँ बहुत ही ज़्यादा खट्टा लग रहा है, क्योंकि खट्टी अमिया बहुत ज़्यादा है। और ये जो है जो मैं गुड्डी की जो जाली है वो भी इसी तरीके से डाल देंगे। जब आप खाइएगा गाइस तो इसको पहले इस तरीके से निकाल दीजिएगा ताकि मुँह में अगर आ जाएगी तो इनकेसेस तो वो खट्टे दाँत हो जाएंगे। तो गाइस इसलिए ध्यान से जब खाइएगा जब। और जो मैंने करेला जो
बनाया है इस तरीके से, जो भरमा करेले के लिए। तो इस प्रोसेस से बनाएंगे आप, इसको चलाएंगे। इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, क्वांटिटी थोड़ी कम रखनी है, तीखी ज़्यादा है। धनिया पाउडर 1.5 टीस्पून, पिसा हुआ सौंफ को मैंने पाउडर बना लिया था, सौंफ का पाउडर। वन टीस्पून चीनी, चीनी से गाइस करेला जो है थोड़ा सा मीठा रहेगा और खट्टा मीठा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। अब इसको चलाएंगे। तो प्याज आप देख सकते हैं थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है, और ये भरमा करेला जो है मसाला इस तरीके से इसके अंदर भर देंगे। तो ये भरमा करेला हो गया, और जो मैंने करेला इस तरीके से काट के रखा था इसको बॉईल कर लिया था, तो वो इसमें डाल देंगे। पानी इसको थोड़ा सा इस तरीके से निचोड़ देंगे, इसकी कड़वाहट थोड़ी कम हो जाएगी और करेला आसानी से खा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनेगा करेला। तो सारे करेले इस तरीके से मैंने डाल दिए, तो चलाएंगे और इसको ढक देंगे। प्लेट को गैस धो ली है ताकि इसमें कड़वाहट थोड़ी कम हो, और गैस को लो फ्लेम पर कर देंगे और मिलते हैं 10 मिनट के बाद। तो गैस 10 मिनट हो चुके हैं, अब इसको चलाएंगे इस तरीके से। प्याज आप देख सकते हैं कि कितना सॉफ्ट हो गया है, और इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा गुड़, गुड़ से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और इसको चलाएंगे, अभी थोड़ा सा पक्का नहीं है गैस, कर रहा है करेला, इसको फिर से ढक देंगे। गैस को लो फ्लेम पर रखना है। तो गैस गैस को मैंने लो फ्लेम पर कर दिया है, इसको खोल के देखेंगे और इसको चलाएंगे, और इसको धीमी आंच में इस तरीके से फ्राई कर लेंगे। अब गैस इस तरीके से करेला जो है पक गया है, अब इसको ढक्कन को बंद नहीं करना है, बस इसी तरीके से 10 मिनट तक इसको फ्राई करेंगे अच्छे से, जो इसका पानी है सूख जाए। गैस को हाई फ्लेम पर कर देंगे और इस तरीके से इसको थोड़ा सा दबा देंगे। दबाने से क्या रहता है, जो प्याज जो है अच्छे से मिक्स हो जाएगा और महीन हो जाएगा। इसमें डालेंगे सौंफ पाउडर 1 टीस्पून, थोड़ा मसाला कम लग रहा है तो, और थोड़ा सा ऊपर से जब डालेंगे तो टेस्ट अलग से निखर के आएगा मसाले का। अब आप देख सकते हैं करेला पत्ता बनकर तैयार हो गया है। इस तरीके से गाजा बना सकते हैं चटपटा मसालेदार प्याज का करेला। तो सर्व कर लेते हैं। तो गाइस आपको करेले की रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो लीजिए मैं फटाफट सर्व कर लेती हूँ। तो गाइस करेला बनकर परफेक्ट तैयार हो गया है चटपटा।